हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे विनायक बुटीक में स्वागत है। आज हम लेडीज शर्ट कॉलर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये फ्यूज़ पेपर ले रखे हैं। ये मेरे पास डबल फोल्ड फ्यूज़ पेपर है। अब हम जो कॉलर का नाप है वो मेरे पास 15 इंच है। 15 इंच कॉलर का जो बनाऊंगी तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 7.5 इंच पे, जो हमारी जो चौड़ाई की तरफ 7.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ एक निशान लेंगे। इनको मिला लेंगे आपस में। ये हमने जो निशान लिए इसके ऊपर अब हम 3 इंच पे एक और निशान लेंगे। ऐसे हम इसको भी सीधा कर लेंगे। ये हमारी बैंड पट्टी बनेगी और ऊपर कॉलर बनेगा, जहाँ से हमारे पास ज्वाइंट पीस है। और ये कॉलर के आगे का हिस्सा होगा, जहाँ से हम 1.25 इंच पीछे की तरफ एक निशान लगाएंगे। और ऊपर का जो निशान जहाँ पे हमने 7.5 पे ले रखा है, जहाँ पे हम 7.5 पे एक निशान लगाएंगे। इनको आपस में तिरछा करके मिला लेंगे। ऐसे इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हम यहां से 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान और लगाएंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। ये जब हम कॉलर बनाएंगे उसमें दबेगा ये। यहां से जो बैंड कॉलर है, यहां पे हम 2 पॉइंट ऊपर एक निशान लगाएंगे। इसको हम ऐसे करके आपस में मिला लेंगे। यहां से जो हमने 1 इंच निशान लिया था, वहां से हम इसको ऐसे करके तिरछा करके हल्की सी गुलाई देते हुए आपस में मिला लेंगे। ये हमारा बैंड कॉलर का नीचे वाला पार्ट बन जाएगा और ऊपर हमारा ये कॉलर के लिए तैयार होगा। इन निशानों को मैंने दोबारा डार्क करा है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ये मैंने 1.5 इंच यहाँ पे लंबाई में और 7.5 इंच यहाँ पे चौड़ाई पे एक निशान लगाया था हमने। फिर उसके ऊपर 1/2 इंच निशान फिर लगाया हमने, यहाँ पे सीधा करा है। और ये निशान हमने 7.5 इंच पे लिया है, यहाँ पे 7.5 था, यहाँ पे 7.5 लिया है हमने। यहाँ से हमने 7.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लेके यहाँ से हमने इसको 7.5 तक मिला दिया आपस में। और यहाँ 7.5 इंच जो निशान ले रखा था उसको हमने अंदर की तरफ यहाँ पे राउंड शेप दी है। और यहाँ पे 2 सूत पे हमने यहाँ पे गुलाई देते हुए इधर की तरफ हमने 2 सूत पे गुलाई यहाँ तक ली है हमने। अब हम सेफ पट्टी से 2.5 इंच कॉलर की लंबाई लेते हुए यहाँ पर हम ऐसे रखते हुए निशान लगाएंगे। इस कोने से रखते हुए सेफ पट्टी को ऐसे करके इसके निशान लगाएंगे। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं, अब हम इन निशानों पे इसको काट लेंगे। जो ये हमारे कॉलर की लेंथ होगी वो जहाँ से गुलाई हमने ली है, जो 2.5 इंच पे हमने इसकी गुलाई ली है, जहाँ से हमने 2.5 इंच तक की इसकी गुलाई ली है, ऐसे ही हम इससे बड़े नाप का अगर हम 8 इंच 9 इंच काटना चाहें तो काट सकते हैं। ऐसे जी हमारा कॉलर और बैंड पट्टी बनके तैयार होगी। अभी हम इसको तैयार करेंगे कपड़े पे। यहाँ पर हमने कपड़े का पीस ले लिया है, मैंने इसको उल्टा करके बिछाया है।
ऐसे मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। इसके ऊपर हम ये जो कॉलर है, कॉलर को इसके ऊपर फ्यूज पेपर रख के इसके ऊपर प्रेस से इसको चिपका लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड का भी, नीचे वाले जो बैंड कॉलर है वो भी हम ऐसे ही नीचे की तरफ चिपका लेंगे इसको। फ्यूज पेपर चिपकाने के बाद अब हम आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इसकी चारों तरफ से हम आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे हम एक कॉलर के दोनों पीस निकाल लेंगे जी। दोनों के मैंने दो दो पीस काट लिए हैं। अब जो ये हमने बैंड गला काटा था उसमें जो हमारे गुलाई की तरफ से हमने ये स्टिच कटिंग करी हुई थी उसी के ऊपर कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे। ऐसे करके ये हमारा बैंड गला तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो दूसरा गला तैयार करेंगे, जो कॉलर तैयार करेंगे, उसके लिए ये मैं नीचे सीधा कपड़ा रखूंगी और उसके ऊपर उल्टा जो कॉलर का कपड़ा उल्टा रख के हम यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। यहाँ नीचे से स्टिच करना शुरू करेंगे, गुलाई की तरफ से हम स्टिच करते हुए दूसरी तरफ यहाँ पे आकर इसको ख़त्म करेंगे। ये ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसके जो कोने हैं यहाँ से ऐसे करके काटते हुए दोनों कोनों से काट देंगे। यहाँ से ऐसे दोनों कोनों से काट के बाद में हम यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाएंगे बीच में, फिर हम कॉलर को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसमें यहाँ से दो पॉइंट के निशान पे अब हम यहाँ पे एक सिलाई करेंगे। यहाँ से करते हुए हम यहाँ पे लास्ट तक यहाँ पर सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। कॉलर में स्टिचिंग करने के बाद अब हम जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका, हम ये सारा कपड़ा जहाँ तक हमारे फ्यूज पेपर है वहाँ तक बराबर का काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम स्टिच करेंगे, नीचे से मैंने स्टिच कर लिया। यहाँ से स्टिच करने के बाद अब हमने जो ये कॉलर, बैंड कॉलर तैयार करा था, अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। इसके हाफ में फोल्ड करके यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। और इसके भी हाफ में फोल्ड करके हम यहाँ पे निशान लगा के इनको ऐसे रख के नीचे जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वहाँ पे कपड़े पे सिलाई करते हुए यहाँ तक करेंगे, इसके कोने तक सिलाई करेंगे इसकी। ये हमने स्टिच कर लिया ऐसे करके, हमने फ्यूज़ पेपर के ऊपर स्टिच नहीं करा है, नीचे नीचे जो कपड़ा है उसके ऊपर ही यहाँ पे स्टिचिंग करी है। अब हम जो नीचे इसका दूसरा पार्ट है उसको उठाएंगे और इसके साथ मिलाकर इसको यहाँ से इसके नीचे रख के ऐसे सेम इसको भी ऐसे ही जोड़ लेंगे इसके साथ। कॉलर मैंने स्टिच कर लिया है, जो नीचे वाला पार्ट था मैंने सीधा रखा था इसको कपड़े को, और उसके ऊपर उल्टा रख के मैंने इसको यहाँ से स्टिच कर लिया है। ऐसे ये हम इसको सीधा करेंगे, ऐसे ये हमारा शर्ट कॉलर बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। ये जो हम शर्ट पे लगाएंगे वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।